Hello, my dear students. Today I am going to discuss a revision of algebraic expressions and identities. इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं मल्टीप्लिकेशन पर, हाउ टू मल्टीप्लाई algebraic expressions. लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चंस फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर से समझते हैं, क्योंकि आगे की मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमें एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से आना चाहिए. तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए हम कुछ रूल्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, आइए इसको समझते हैं और फिर हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, सबसे पहला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का नियम है वो है एक टू द पावर एन की पावर एन. अगर किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर है और उसकी भी एक पावर है, मतलब ए टू द पावर एम है और उसकी पावर एन है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो टू की पावर थ्री है और उसकी पावर फोर है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 12. सेकंड, अगर बेस सेम है, बेस मतलब ए ए, देखिए यहां पर दोनों बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है. रूल नंबर 3, अगर बेस सेम है लेकिन वो डिवीजन के फॉर्म में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, m माइनस n. आप चाहें तो n माइनस m भी लिख सकते हैं और m माइनस n भी लिख सकते हैं. जैसे इसको अगर हम समझना चाहें तो 2 की पावर 4 और फिर ये डेसिमल नहीं है बच्चों, ये इनटू का साइन, 2 की पावर 6, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 10. और यहां पर अगर हम एग्जांपल से देखें तो अगर कहीं लिखा है 2 की पावर 10 और 2 की पावर 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 माइनस 2 बिकम्स 2 की पावर 8. ये कुछ बेसिक नियम है जिनको आपको समझना होगा. आइए, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हम 1 लिखते हैं. और एक और नियम मान लेते हैं, ये है a, a की पावर m है और ये b की पावर m है. अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बेस सेम नहीं है, तो क्या सेम है बच्चों, इसमें पावर इंडेक्स सेम है. तो इस सिचुएशन में हम बेस सेम है तो हम बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी टू द पावर m. कहीं जरूरत पड़ने पर अगर कहीं ऐसे लिखा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m और b टू द पावर m. इसके आगे और देखते हैं, जैसे एक छोटा सा इसका एग्जांपल, जैसे 2 की पावर 1 बाई 2 है और 3 की पावर 1 बाई 2 है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू जस 6 टू द पावर 1 बाई 2. तो ये छोटे से रूल्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन आप आसानी से समझ जाएंगे. तो आइए कुछ मल्टीप्लीकेशन रिवाइज करते हैं और समझते हैं क्या है मल्टीप्लीकेशन. देखिए, पहला क्वेश्चन, 5x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 4. तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए इक्वल का साइन लगाइए और फिर 5x को यहाँ लिख दीजिए और ये टर्म इसके बाद लिखिए, फिर ये जो साइन है वो यहाँ लिखिए और 3x प्लस 4 को इस प्रकार से हम बच्चों इसमें लिखने के तरीके को आप जरूर देखिए कि किस तरीके से लिखा गया है. सबसे पहले 5x, फिर उसके बाद 3x प्लस 4, फिर माइनस 2 और उसके बाद 3x प्लस 4. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई में आप हमेशा ये जानिए कि 5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले तो साइन मल्टीप्लाई होता है और फिर नंबर. तो यहाँ प्लस है तो कोई चिंता की बात नहीं है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 15 और एक्स एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा यहाँ कि कुछ बच्चे 15x लिख देते हैं जो कि गलत है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 15x स्क्वायर. उसके बाद 20x माइनस 3 टू जा 6 एंड माइनस का 8. फिर आगे लिखेंगे 15x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 8 और ये आपका आंसर हो गया. आइए इसी में और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. ये a है, ये b है, एक और क्वेश्चन लेते हैं. उसमें लिखा है 4x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर. तो आइए देखिए, इसका भी लिखने का तरीका वही सिंपल सा है. सबसे पहले लिखेंगे 4x
और फिर 5x प्लस 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 5 और ये माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर से, तो ये आ जाएगा 12, फिर x, फिर माइनस का 20 और एक्स 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 स्क्वायर, फिर प्लस का 8 एंड एक्स क्यूब। समझ आ गया होगा बच्चों। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर के साथ, ये आएगा माइनस 15, ये प्लस का 25x और ये माइनस का 10x स्क्वायर। और इस तरह से हम इसे क्लियरली पहले ब्रैकेट ओपन करके लिख लेते हैं, ये हमने ओपन करके लिख लिया। रूल ये कहता है कि सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसे लिखा जाता है। हाईएस्ट पावर है माइनस 10x स्क्वायर और माइनस 20, ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे माइनस 30x। जब दो साइन माइनस के होते हैं तो ऐड कर दिया जाता है और साइन माइनस का लगाया जाता है। फिर यहाँ पर आया, लेकिन आप देखिए 8x क्यूब सबसे हाईएस्ट है तो हमें 8x क्यूब को पहले लिखना चाहिए। अब उसके बाद हमने लिख दिया 20 माइनस 30x स्क्वायर, फिर आता है x, 25x प्लस 12x, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x एंड माइनस का 15। दिस इज अनदर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब इसमें और हम आगे चलते हैं तो और अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन सी में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, और अगेन यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। जितने बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप रिवाइज करते जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी मैथ की प्रैक्टिस होती जाएगी। तो आइए यहाँ पर देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप 2x स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद ये सारे टर्म्स एज इट इज़ लिख दें, फिर उसके बाद x लिखेंगे और फिर ये सारे टर्म एज इट इज़ लिख दें, फिर उसके बाद माइनस 5 लिखेंगे और ये सारे टर्म एज इट इज़ लिख दें। अब आता है सबसे पहले नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये x पावर 4 हो गया, ये 4x क्यूब हो गया और माइनस का 2x, फिर 3x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x, और ये माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 5। ध्यान से अगर बच्चों देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये स्टेप है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें माइनस का जब मल्टीप्लाई किया तो सारे साइन चेंज हो गए, सारे साइन चेंज हो गए, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कब साइन हमें चेंज करने हैं और कब साइन हमें चेंज नहीं करने हैं। आगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 6x की पावर 4 है, हाईएस्ट पावर है, वैसे के वैसे लिख देंगे। एक्स क्यूब ये माइनस का है और ये प्लस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस में एक्स क्यूब आएगा। 2x स्क्वायर और 15, आप देखिए गौर से ये तीनों के तीनों माइनस में हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगे और 19x स्क्वायर। इसके बाद देखें हम, x स्क्वायर के बाद x आता है, x ये है, 10x ये है, प्लस का 9x ये हो जाएगा एंड प्लस का 5। दिस इज योर आंसर। तो आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार से ये ऐड वाले क्वेश्चंस, ये मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। मान लेते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन में एक टर्म ना देकर कई टर्म्स दिए होते हैं मल्टीप्लाई करने को। जैसे हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर डी, और क्वेश्चन है एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4। अब इसे गौर से देखें तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज जरूर नोटिस करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फार्मूला यूज हो रहा हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें गौर से, जो फार्मूला यूज होगा वो यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो गौर से देखने पर आप नोटिस कर पाएंगे कि ये और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी करके लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ भी ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब पुराना क्वेश्चन बन गया बच्चों, अब आपको वही जैसे मैंने अभी सॉल्व करने को बताया, पहला टर्म वैसे लिखो, उसके बगल में ये लिख दीजिए माइनस 9, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 16। सिंपली हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की पावर 4, 16x स्क्वायर, गौर से देखिए यहाँ माइनस है, तो जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है।
ये देखिए सोलोनिया 69 144, तो इस प्रकार से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देख पाएंगे यहाँ x की पावर 4 है, ये एड अप हो जाएगा -25x² हो जाएगा +144। तो ये था आपका एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसको लाइक करिए और शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।